मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। शांति। आज की तारीख है 11 सितंबर 2023 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, पार गति दिलाने का। राम रावण से पार गति दिलाते हैं, रावण फिर राम से पार गति दिला देते। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने सब धर्म में टिको, देश हित दे के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो, गीत जो पिया के साथ है। मीठे मीठे बच्चों ने नंबर वार प्रसाद अनुसार गीत सुना। हरेक बात में नंबर वार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत के संग में हैं, तुम ब्राह्मण ही उस सत कहने वाले ज्ञान सागर के समुख बैठे हो। गाया भी जाता है जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है, तुम बच्चों के समुख पिया की ज्ञान बरसात है, तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे समुख हैं। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है, अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। कोई कांटे भी है, कोई कली भी है, कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबर वार कलियां हो, फूल बनने वाले हो, कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा, एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, यह है चट्टाबट्टी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है ऐसे नहीं, त्रेता वाले राम को याद करते हैं।
यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है, यह खेल है एक दो को पार गति दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देखे हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्व धर्मान मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने सब धर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाबा कह रहे हैं अगर मुझे भूले तो माया का गोला अवश्य लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी जबरदस्त है, बाप का बनकर भी फिर माया त्यालाग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई पार गति ना दे। आधा कलर तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भगत हो ना। भक्ति भी तुमने ही शुरू की है तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को यानी देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है, इस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है। बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग का सुख धाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूबल अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं है, यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज है उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने। यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर पीठ होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा उनको किसने रचा। पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे यह हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे यह हमारा बाप है। तुम भी बाबा के मुख में शावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं, इतना समय हम माया के मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं, तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही से ताज था, अभी दोनों ताज नहीं है, ना होली ना अनहोली। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु परवर्ती मार्ग है नहीं। परवर्ती मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो ना सके, तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है, वह है विश्व की बरसात।
यह है ज्ञान अमृत की बरसात। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते ही रहते हैं, अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मानसरोवर भी है ना, मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता है, ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां हैं, कोई कैनालस है, कोई टुबके हैं, नंबर वार है ना। बच्चे समझ गए हैं, कल पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत शिष्टाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे, गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेविन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है, यह तो बहुत सह समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है, तुम तो रूप पसंद हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से, तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है, और कोई गुरु गुसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है, अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बिठो नच, सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। फिर तुम वहाँ जाकर राम विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की, तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान के मार्क्स नहीं मिल सकती, यह तो खेल पाल है। इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है, वह व्यक्त खेल, यह अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग हैं उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं,
सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गाढ़ फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे, ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं जिन्होंने द्वापर से मुक्ति की है वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म होंगे। आत्माएं वापस बाप के पास जाएगी। कितना बड़ा विनाश होना है, अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर ना सके। दुनिया में कितने मनुष्य हैं यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनैन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थोर यानी फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है परंतु उनका नाम परायलोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ निशान तो रहेगा ना। परायलोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है, चित्र है। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परमपिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि, मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना, कहा जाता है ना तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे हैं कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना है, इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, तुम जानते हो बरोबर डीटी सावरंटी थी, सत्युग आदि में राजा रानी थे, अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी राय साहब, राय बहादुर आदि, अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। तुम हर होलीनेस हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे, तुम पर डबल ताज है, पहले होता है होली राज्य फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है अच्छा, मीठे मीठे सिकला के बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। नंबर दो, यह अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है, सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है, रूप बसंत बनना है, वरदान अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव।
आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए, आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतिंद्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो, तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति।